नमस्ते फ्रेंड्स, आर्ट एंड टैरो में आपका स्वागत है। पेन इज समथिंग विच इज वेरी मच पार्ट ऑफ आर लाइफ। द मोमेंट वी आर बॉर्न, पेन इज समथिंग इज ऑल्सो बॉर्न विद अस। जब तक ये फिजिकल फॉर्म है तब तक जो है पेन साथ में है। पेन एक ऐसी सच्चाई है जो आप जिसको जितना मर्जी इग्नोर कर लें, लेकिन वो आपकी लाइफ का एक हिस्सा है। और जितनी जल्दी आप इस ट्रुथ को एक्सेप्ट करते हैं, उतनी जल्दी जो है आपकी लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म होती है। सो पेन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टीचर्स एज फार एज आई सी। फिजिकल पेन फिर भी एक बार को जो है थोड़ा बहुत आदमी बियर कर लेता है, लेकिन जो पेन हार्ट का है दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बियर। सो ऑब्वियसली जिस कार्ड की मैं आज बात करने वाला हूँ वो है थ्री ऑफ सॉर्ट्स। थ्री जब भी हम देखते हैं वो हर सूट के अंदर जो है एक तरह की फुलफिलमेंट लेके आता है, एक तरह का बहुत पॉजिटिव मैसेज लेके आता है। अब अगर आप थ्री ऑफ पेंटिकल्स को देखेंगे, थ्री ऑफ वॉन्ड्स को देखेंगे या थ्री ऑफ कप्स को देखेंगे, तो वो अपने आप में बहुत ही क्लैरिटी के साथ बताते हैं कि उसमें एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज है। लेकिन थ्री ऑफ सॉर्ड्स में जब हम देखते हैं तो वो सिंपली पेन के अलावा हमें कुछ नहीं दिखता। लेकिन दिस इज़ वन ऑफ the best cards you can say of tarot, and this is one of my favorite cards too. तो कैसे ये card positive है इसको जानेंगे इस video के through. Card में जाने से पहले इस card के keywords देखेंगे। Three of swords के keywords रहेंगे pain, sorrow, trauma, grief, rejection, heartbreak, sadness, loneliness and separation. ये सब पेन के अलग अलग नाम हैं, लेकिन हर नाम जो है अपने आप में कुछ ना कुछ जो है लेसन है, कुछ ना कुछ सिखा रहा है। और इस कार्ड के थ्रू आज हम समझेंगे कैसे हम अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड्स इज सिंपली इलस्ट्रेटेड कार्ड विद अ डिफिकल्ट मैसेज। एक बड़ा सिंपल सा एक मैसेज है जो कि कार्ड में जो है सिग्निफाई हो रहा है। अ हार्ट पियर्स बाय थ्री सॉर्ड्स, और हार्ट जो है सिंबलाइज करता है लव एंड इमोशंस को, और सॉर्ड सिग्निफाई करती है माइंड को, आर्गुमेंट्स को, डिस्कशन को, एक तरह की फाइट को। सो सिंपली लाइक इन इटसेल्फ यू नो इट इज काइंड ऑफ वेरी क्लियर दैट द हार्ट इज पियर्स्ड, दैट द हार्ट इज क्रश्ड, दैट द हार्ट इज फिनिश्ड, कि हार्ट की जो हत्या है वो जो है सॉर्ड के थ्रू होगी। आप पीछे देखते हैं बादल हैं जो कि बहुत घने से बादल दिखाए गए हैं, और पीछे जो है बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है। ये सब एक तरह का जो है एक पेन दिखाया गया है, ग्रीफ का एक पीरियड दिखाया गया है, एक सॉरो का एक पीरियड दिखाया गया है, एंड इट्स अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन वन इज़ डीलिंग विथ। इट्स नॉट एन ईजी कार्ड, बट अगर आप इस कार्ड को जो है एक्सेप्ट कर लें, अगर आप इस कार्ड की मैसेज को जो है समझ लें, तो आपकी लाइफ वैसे ही नहीं रह जाएगी जैसे पहले थी। इट विल चेंज फॉर एवर एंड योर न्यू लाइफ विल बिगिन। तो थ्री ऑफ सॉर्ड्स जो है वो ज़्यादातर रिप्रेजेंट करता है रिजेक्शन को, सैडनेस को, लोनलीनेस को, हार्ट ब्रेक को, बिट्रेयल को, ग्रीफ को और सेपरेशन को। और ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड आती हैं, क्योंकि हम जो है पेन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं अपनी लाइफ में, उसको हम एक्सपेक्टेड नहीं रखते, उसको हम हमेशा अनएक्सपेक्टेड रखते हैं। वो ऐसे ही है जैसे कि हम डेथ को अनएक्सपेक्टेड मानते हैं, वैसे ही हम पेन को भी जो है अनएक्सपेक्टेड मानते हैं। पेन जो है हम कभी भी अपने लाइफ का हिस्सा उसको बनने नहीं देते, और पेन के लिए हम यही समझते हैं कि यू नो पेन हमारी लाइफ में होना जो है वो एक अच्छा साइन नहीं है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी एक बस यही बात बताना चाह रहा हूँ कि लाइफ के अंदर पेन इज़ समथिंग विच इज़ इनएविटेबल, यू कांट एस्केप इट, इट इज़ देयर। थ्री ऑफ सॉर्ड्स जो है हमें एक चीज़ की और पॉसिबिलिटी बताता है कि अगर ये आपकी रीडिंग में आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपको जो है प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अभी भी आप संभल जाओ, अभी भी आप कुछ चीज़ों को समझ जाओ। अगर आप उन चीज़ों को समझ जाओगे तो जो पेन की जो क्वांटिटी है, जो वो जो एक तकलीफ़ जो आपको होगी,
उसके अंदर जो है बहुत डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि सडनली अगर आपकी एक्सेप्टेंस है तो वो जो पेन जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो डिसअपेयर हो सकता है. सो इट विल नॉट बी पेन देन, इट विल बी अ काइंड ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग विच इज़ गोइंग टू हैपन टू यू. और पेन, सोरो और ग्रीफ जो है वो कहीं ना कहीं लाइफ का जो है इतना इंटेग्रल पार्ट है, और ना चाहते हुए भी जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए जो है बहुत बड़े टीचर्स हैं. यस, पेन इज द बिगेस्ट टीचर, क्योंकि हम जो है सुख में जो है सो जाते हैं, सुख से जो है हम नहीं सीख पाते हैं. हम सीखते हैं व्हेन देयर इज़ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, व्हेन देयर इज़ अ चैलेंज व्हिच इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ यू, तभी हम कहीं ना कहीं जागते हैं. अदरवाइज जो है सुख जो है वो तो हमें सुला देता है. ओनली पेन में जो है हम कहीं ना कहीं अलाइव होते हैं, कहीं ना कहीं जलते हैं, उसके लिए कुछ करने के लिए तैयार होते हैं. आपका हाथ जलता है तो आप फटाफट जो है आप हाथ हटा लेते हैं. उसी तरह से पेन की भी जब रियलाइजेशन होती है तो उसी वक्त जो है आप अपने आप को जो है प्रोटेक्ट करना शुरू करते हैं, आप अपने आप की लाइफ को अच्छा बनाना शुरू करते हैं. और पेन अक्सर जो है वो आपके विजन को क्लाउडेड कर देता है. जो इतने पीछे जो क्लाउड सिखाए गए हैं वो यही शो करा गया है कि पेन के कारण जो है आप कहीं ना कहीं जो है ठीक से देख नहीं पाते हैं. वो देख इसलिए भी नहीं पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं पेन से, हम पेन से दूर जाना चाहते हैं, हम पेन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से जो है एक देयर इज़ अ क्लाउडीनेस विच कम्स, विच इज़ बिकॉज ऑफ विच यू नो वी आर नॉट एबल टू सी इट क्लियरली, वी आर नॉट एबल टू सी द ट्रुथ क्लियरली. और पेन के साथ ये भी समझिए कि पेन जो है इट्स ऑल्सो द अपोजिट ऑफ प्लेजर. तो जब अगर आपकी लाइफ में जो है पेन है वो हमें कहीं ना कहीं ये बताता है इट्स ऑल्सो बिकॉज देयर इज़ अ प्लेजर इन योर लाइफ. जितना प्लेजर होगा उतना ही पेन की भी क्वांटिटी जो है ऑलमोस्ट सेम होगी. अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो है बिल्कुल भी पेन ना हो तो आप प्लेजर भी मत मांगिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों साथ में आते हैं, दोनों की कहीं ना कहीं जो है दे आर पैक्ड टुगेदर ओनली. सो पेन एंड प्लेजर आर काइंड ऑफ पार्ट ऑफ योर लाइफ. और हमारे साथ प्रॉब्लम यही है कि जब पेन आता है हम कहीं ना कहीं उसको अवॉइड करना चाहते हैं, अपने आप को जो है अलग अलग चीज़ों में बिजी करना चाहते हैं. टेलीविज़न देख लेंगे, नेटफ्लिक्स देख लेंगे, कहीं घूमने चले जाएंगे, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर लेंगे, म्यूज़िक सुन लेंगे, लेकिन पेन को नहीं देखेंगे. एंड देर आर पीपल हु विल गेट बिजी इन मंत्रा चैंटिंग एंड ऑल्सो दे विल स्टार्ट विजिटिंग द गुरुद्वारास एंड द मंदिर जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू अवॉइड द पेन, जस्ट बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू फेस द पेन. और कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी जो सच्चाई है, अगर आप पेन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं जो है आप उससे ऊपर भी कभी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि पेन कुछ ऐसा है विच बिकम्स पार्ट ऑफ योर लाइफ, विच बिकम्स पार्ट ऑफ योर बॉडी. एंड अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट यू नो टेकिंग केयर ऑफ इट, यू आर नॉट हीलिंग इट, यू विल बी नॉट बी एबल टू बी फ्री ऑफ इट ऑल्सो. बुद्ध का जो है, बुद्ध के जो चार आर्य सत्य जो है वो इसी ट्रुथ के ऊपर बेस्ड है. बुद्ध कहते हैं कि दुख है, ये फर्स्ट रियलाइजेशन है दैट देयर इज पेन. एंड सेकेंड ही सेज दुख के कारण है. वो कहते हैं दुख इसलिए है क्योंकि उसके पीछे जो है कारण जुड़े हुए हैं. तीसरा वो कहते हैं कि दुख से मुक्ति का उपाय है. अगर आपको जो है वो कारण पता चल जाए दुख के तो आप जो है उसके लिए कुछ कर सकते हैं. और चौथा जिसमें दुख जो है हमारी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं रहा. दैट मीन्स इफ़ यू फॉलो द स्टेप्स ऑफ द बुद्धा देन यू कैन एक्चुअली बी फ्री ऑफ द पेन. दैट इज़ वॉट द ब्यूटिफुल मैसेज ऑफ बुद्धा इज एंड दैट इज़ ऑल्सो द मैसेज ऑफ थ्री ऑफ सॉर्ड्स. तो कुछ ऐसा समझिए कि थ्री ऑफ सॉर्ड्स जो है वो कहीं ना कहीं आपको ये बोल रहा है कि ये जो पेन है जिससे आप बचने की कोशिश कर रहे हैं वो चाहे पेन हो सकता है रिलेशनशिप का पेन हो सकता है, और ज़्यादातर जो है वही होता है, या फिर जो है किसी की डेथ हुई है. अब द पेन इज़ टू मच, द ग्रीफ इज़ टू मच एंड इट्स डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट. हम कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि ये एक्चुअली में हो गया है, कि ये घट गया है, कि हमें एक्चुअली में कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर दिया गया, या फिर वो व्यक्ति जो हमारे इतने करीब था वो हमसे दूर चला गया. एंड इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट इट. वो कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट करना कुछ ऐसा है कि वो जो खंजर है वो कहीं ना कहीं अपने हार्ट में कहीं ना कहीं खोप देना है. उस चीज़ की रियलाइजेशन कुछ ऐसी है. लेकिन अगर आपने जो है इसको जो है इस खंजर को जो है अपने हार्ट के अंदर जाने दिया, यू विल नॉट बी द सेम पर्सन अगेन. यू विल एक्चुअली ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, यू विल बिकम अ टोटली डिफरेंट पर्सन.
क्योंकि इस रियलाइजेशन के बाद सडनली आप लाइफ जो है दूसरे ढंग से देखेंगे, आप लाइफ को इस ढंग से देखेंगे कि दैट देर आर थिंग्स विच आर देयर इन योर लाइफ, देर आर ट्रूथ्स विच आर देयर इन योर लाइफ विच यू नीड टू एक्सेप्ट, एंड विद दोज एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रूथ द लाइफ विल शो यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड. अब तक जो था, क्योंकि आप उसकी एक्सेप्टेंस नहीं थी, अब तक सिर्फ प्लेजर की एक्सेप्टेंस थी, अब तक पेन की एक्सेप्टेंस नहीं थी. बट द मोमेंट यू हैव एक्सेप्टेड बोथ द पेन एंड प्लेजर टुगेदर, सडनली लाइफ विल ओपन इन फ्रंट ऑफ यू, लाइफ विल ब्लेस यू. क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक तरह से जो है आपको एक फ्री करता है, आपको मुक्ति देता है. द मोमेंट यू एक्सेप्ट इट, आप अभी करके देख सकते हैं, द मोमेंट यू एक्सेप्ट इट देर विल बी अ डीप ब्रेथ इनसाइड ऑफ यू दैट यू हैव एक्सेप्टेड समथिंग. And when you have accepted something, you have accepted the pain. And with that acceptance of pain, you are free, you are relaxed. That's what the beauty of Three of Swords is. Isliye, Three of Swords is also known as the card of release. Ye card jo hai, aapko ye bhi message de raha hai, ki jo bhi aapne andar jo dabaya tha, it's time to just release it. It's time to let it go. It's time to forgive. It's time not to keep any kind of a garbage inside of you. It's time to let go of anything which is like a weight to you, which is like a burden to you. The moment you release, you will have wings and you will be able to fly in the sky. So this was my reading for you for Three of Swords. And of course, jaate jaate ek quote jo ki Three of Swords ke liye hai. एक ये बहुत ब्यूटीफुल कोट है बुद्धा का. बुद्धा कहते हैं, पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल. ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं. पेन तो ऐसी घटना है, पेन तो एक ऐसी स्थिति है कि जो है ही लाइफ में, उसको आप एक्सेप्ट करिए या ना करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. एक्सेप्ट करेंगे चीज़ें बदल जाएंगी, एक्सेप्ट नहीं करेंगे उससे लड़ते रहेंगे. और लड़ना कुछ ऐसा है जैसे आप अंधेरे से लड़ रहे हैं, और अंधेरे से जो है लड़ना कुछ ऐसा है कि वहाँ पे अंधेरा जो कि एग्जिस्ट करता ही नहीं है. इसलिए ये बात पक्की है कि आप हारेंगे. इसलिए बुद्ध कहते हैं कि पेन तो है, लेकिन सफरिंग आपके हाथ में है कि आप उससे सफ़र करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते. सो आई विश ऑल माई फ्रेंड्स हूएवर इज़ वॉचिंग दिस वीडियो दैट पेन इज़ एक्चुअली इनएविटेबल. It is part of our life. But suffering is optional. Make it optional. Make sure that you make the suffering optional in your life. Don't let it be part of your life. Thank you so much for watching. And I will see you in my next video. Till then, be happy. Be free from the pain. Namaste.